टूटी सड़कें और उड़ती धूल से परेशान स्थानीय मोहल्ले वासियों ने किया रास्ता जाम। पाली में वार्ड नंबर 61 सुभाष नगर ए रेलवे क्रॉसिंग के पीछे हाउसिंग बोर्ड जाने वाले रास्तों की हालत खराब होने व आए दिन पानी के टैंकर से उड़ते धूल के कारण रहे वासियों को हो रही बीमारी और परेशानियों के विरोध में रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची व समझाइश करते हुए जाम हटाने को कहा तो वही स्थानीय पार्षद भरत राम ने बताया कि कई लंबे अरसे से इस रोड की हालत बहुत खराब है और मैंने प्रशासन को अवगत भी करवाया और इसका टेंडर भी हुआ, लेकिन आज तक यह रोड नहीं बन पाई जिसके चलते मोहल्ले वासी विरोध कर रहे हैं। बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए हमें रास्ता रोके, हमारे बच्चों को बीमारी लग गई, हमारे सबके लग गई, रात दिन ये धुरा उड़ता जैसे लगता आंधी आई है। ऐसे सुबह उठते हैं जब से परेशान से, रात तक गाड़ी चलती है रातों दिन, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए रास्ता बंद। तो पार्षद पार्षद भी नहीं आता है, वो आता देख सके सुन के हाँ हाँ करके चला जाता है। कम से कम 2-3 बार हम कलेक्टर ऑफिस और वहाँ नगर परिषद जाके आए, हमारे कहीं सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो आज आपने रास्ता रोका है क्या कारण है? क्या कारण, कोई बहुत धूड़ा उठा है और बहुत खांसी हालती है, बहुत घरों हाँ माने हैं अंदर खाना बनावा तो भी धूड़ा खाता है, पानी पिए तो बड़वा भी धूड़ा पीता है, सब कुछ कोई भी चीज रे माने मारा धूड़ा रहा लावा। और टाबर हॉस्पिटल ले के काया हुआ गया, आगे बीमारी चल रही है और धूड़ा की बीमारी बहुत चल रही है, और वजह से मैं आज 2 साल हुआ है, 2 साल से मैं परेशान हूँ। कलेक्टर ऑफिस में 2 वक्त जाए ना यहाँ, कलेक्टर साहब क्यों कि मैं हमका ने नमका कराऊ, हमका ने नमका कराऊ, कलेक्टर साहब कोई जवाब नहीं दियो है। और आप भरत राम फोन कर रहे हैं तो वो आवेदन सुनवाई भी नहीं कर रही है, मोरा कोई बात सभी तो नहीं है, कोई हर चीज रो लैट्रीन को तो पानी रो कहता, कोई मोरा रोड रो कहता, कोई सभी तो नहीं है। धूड़ो खा में कितो खावा, वोटो नहीं बेड़ा तो लेवन वास्ते आवेगा, और कोई मोरी सुनवाई कोई भी नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे रहना साथ।